हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कलो दुष्यनिदराजन अस्ति एक महान गुना कीर्तन देव कृष्णश मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान के नाम इतना महान है कि कलियुग दुष के समुद्र होने के बावजूद भी कलियुग में एक महान गुण है जो भगवान नाम के द्वारा समस्त दुष को तत्क्षणात् नष्ट करने का ताकत रखते हैं। भगवान नाम में इतना शक्ति है, भगवान नाम ही कलियुग के एकमात्र सार धर्म है, युग धर्म है। जो व्यक्ति इस युग धर्म के आश्रय ले लेते हैं वो सुमेधा संपन्न व्यक्ति है। नाम जप के तीन प्रकार की विधि है, व्यवस्था है। एक स्मरण द्वारा भगवान नाम चिंतन करना अंदर ही अंदर, और दूसरा है वाणी के द्वारा होठों को थोड़ी थोड़ी हिला करके वाणी के द्वारा करना है, उसको जप कहा जाता है। स्मरण द्वारा जो भगवान नाम किया जाता है, भगवद गीता में भी भगवान इसका उल्लेख किया है, जो माम स्मरति नित्यशः। और भगवान नाम जप के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि ही, सारे यज्ञ में जप ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, ये भगवान की ही मुख निश्रित वाणी है। और उच्च स्वर में भगवान के नाम करना, कंठ के द्वारा कंठ से भगवान के नाम जप करना, उच्च स्वर में कीर्तन करना, वो कीर्तन है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कीर्तन शब्द से उल्लेख किया है कि कीर्तन भगवान के एक महान कार्य है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहा करते थे कि कीर्तनीय सदा हरि, हरि की कीर्तन सदा ही करते रहो, कृष्ण नाम के द्वारा ही कलियुग के जीव मुक्त हो सकता है। हरि नाम में सभी लोगों का अधिकार है, वेद शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ करना, बाकी व्रत करना, तप करना, बहुत सारे सामाजिक प्रथा से बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता है। स्त्रियों को यज्ञ नहीं कराया जा कर सकते हैं, वेद शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मणेतर व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकते हैं। ये सारे अंकुश बाकी क्रिया में, धर्मशास्त्र की क्रिया में देखा जाता है, लेकिन भगवान नाम लेने के किसी प्रकार स्थान काल पात्र का विचार नहीं किया जाता है। जो श्रद्धा के साथ भगवान के नाम जप करते हैं वही महान है, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान की माता, कपिल भगवान की माता इस प्रकार कहा है, जन नाम ध्येय श्रवणान कीर्तनाद जस प्रहणा जस स्मरणाद अपिकर्षित साधोपि शब्द श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनात्। हे भगवान, आपके नाम का श्रवण कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी अगर आपके नाम कोई स्मरण करते हैं, ओ मांसाहारी कुत्ता के मांस खाने वाला चंडाली क्यों ना हो, वो तत्क्षणात् ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करने वाला ब्राह्मण जैसा पवित्र बन जाते हैं, और आपके दर्शन का और क्या कहना है। इस प्रकार माता देवहूति भगवान नाम की महिमा वर्णन किया है। और भगवत और देवहूति माता दूसरा एक श्लोक और कहा है कि अहूबत शपचोति गरियान जत जिबाग्रे वर्तते नाम तव्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभु शस्नु आर्या ब्रह्मानुचुरनाम गृहंती ये ते। जो व्यक्ति अहूबत शपचोत गरियान, मैं ये समझता हूँ कि एक कुत्ता खाने वाला, कुत्ता के मांस खाने वाला चंडाल भी अगर उनकी जीवा के अगर भाग में भगवान नाम है तो एक साधारण ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जो भगवान नाम जप नहीं करते हैं। सपोचो तो गरियान जज्जिबाग रे वर्तते नाम तो व्यम, तुम्हारे नाम जिनके जीवा के अग्रभाग में हमेशा चलते रहते हैं वो साधारण जो भगवान विमुख है। अगर भगवान विमुख एक ब्राह्मण भी है,
फिर भी वो ब्राह्मण से वो कुत्ता के मांस खाने वाला के घर पे जन्म लेने वाला चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके जिह्वा के अग्रभाग में कृष्ण नाम के नर्तन सदा होते रह रहे हैं। ते पुष्ट पुष्टि जुहुबहु शष्णु डारिया, वो समस्त तीर्थों में नहा लिया, समस्त व्रत कर लिया, समस्त दान कर लिया, समस्त पुण्य कर्म उसका हो गया। समझना चाहिए जो कृष्ण के नाम जप करते हैं, इससे समझना चाहिए कि वो समस्त धर्म समस्त कर्म सब कुछ उसको हो चुका है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई अगर उच्च पद में अधिकारी जज वो उसको अगर कहीं प्रश्न करे कि आपको भारत के संविधान मालूम है समझ है, तो एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार जो कृष्ण के नाम में रत है, कृष्ण के नाम सदा जप कर रहा है, अगर कोई उनको कहे कि आप ये व्रत किया, ये तप किया, ये जप, ये मन, ये अनुष्ठान किया, तो वो भी एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो कृष्ण नाम में रत है, तनील है, उसको इस प्रकार के प्रश्नों का किसी प्रकार जरूरत नहीं, बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे उच्च क्लास का उच्च धर्मों को पालन कर रहा है। इसीलिए उसको समझना चाहिए कि समस्त प्रकार निम्न धर्मों को वो पालन करता हुआ हरिनाम रूपी उच्च धर्म में वो प्रतिष्ठित है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बतला रहा हूँ कि भगवान नाम की शब्द तरंग कितना शक्तिशाली है। एक व्यक्ति को अगर सर्प ने काट लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं। कितना भी जहरीली सांप काटते हैं वो तत्क्षणात मरते नहीं हैं, वो उसका दम जो है उसका दम उसके अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो मृतक प्राय हो जाते हैं, डॉक्टर उसको मृतक घोषित कर देता है। लेकिन कोई अगर जाने माने और समझदार ओझा उसको देखे तो ओझा अपने मंत्र बल पर वो सर्प को ला सकते हैं और उससे जहर निकालवा सकता है और वो आदमी को जिंदा भी कर सकते हैं। कैसा संभव होता है? क्योंकि वो ओझा के पास मंत्र की शक्ति है। ओझा जिसके सामने मंत्र जप करते हैं वो एक मृतक व्यक्ति के प्राय वो लेटे रहते हैं, उसके कर्णरंध्र से भगवान नाम जाते हैं और उसको सुषुप्ति अवस्था में, जो अचेतन अवस्था में, बेहोश अवस्था में, अर्थात मृतक प्राय अवस्था में जो रहते हैं, उसको उस अंतकरण में जा करके भी वो मंत्र टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और मंत्र की शक्ति धीरे धीरे उनके हृदय में जाते 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 वो व्यक्ति फिर जागृत होकर के अपने नया जीवन में फिर वापस लड़ते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि मंत्र में कितना बल है, शब्द ब्रह्म में कितना ताकत है। आप सोए हुए गहरा निद्र में सोए हुए किसी व्यक्ति के नाम पुकार के उसको आवाज़ करिए, वो तत्क्षणात आ जाते हैं, उठ जाते हैं, जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब सोते ही व्यक्ति सुषुप्ति में जाते हैं, गहरा निद्रा में चले जाते हैं, तो उसको सारी इंद्रियों काम करना बंद कर देते हैं, बिकॉज इंद्रिय मन में प्रवेश कर लेते हैं और मन बुद्धि अहंकार में समाहित हो जाते हैं और अहंकार अविद्या में तन्नील हो जाते हैं। उस अवस्था में भी नाम तरंग शब्द तरंग उस अवस्था में भी अविद्या को वेद करते हुए उनके हृदय में जागृत पैदा करते हैं, तरंग सृष्टि करके उसको जगा देता है। इसी प्रकार संसार रूप घोर अंधकार में जो जन्म मरण का चक्र में बार बार कष्ट भोग रहा है, उस प्रकार के बद्ध जीव को एकमात्र हरिनाम के तरंग रूप शक्ति उसको जागृत कर सकते हैं। एक बार अगर किसी व्यक्ति के कान में कृष्ण के नाम के महिमा प्रवेश करते हैं, कृष्ण के नाम तरंग प्रवेश करते हैं, अचिरात उसको मंगल, उसकी मंगल होगा, जरूर होगा। अगर वो किसी शुद्ध भक्त के श्रीमुख से नाम के महिमा श्रवण करते हैं तो उसको और जल्दी होगा। जिस भक्तों के हृदय में किसी भी प्रकार भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा या कर्णपाठ जैसा दोष नहीं है, ऐसा निर्दोष व्यक्ति के श्रीमुख से कृष्ण कथा श्रवण करने से वो अधिक शक्तिशाली कृष्ण की जो शब्द तरंग
पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति के हृदय में जा कर के उसको हृदय को सफाई करे और उसको शुद्ध भक्त बनाने में ताकत रखते हैं। भगवान नाम इतना शक्तिशाली, किसी भी स्थान काल पात्र का विचार नहीं करते हैं। खाने में, सोने में, स्नान करने में, जंगल में भ्रमण करने में, हमेशा हर स्थिति में आप भगवान नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जाग, यज्ञ, तपस्या ये सब हर जगह पे नहीं हो सकता है। स्थान काल पात्र का विवेचना रखते हैं, पूर्व दिशा में करना चाहिए, इस अंगुली को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं बात करना चाहिए, कितना प्रकार का विधि विधान में हमारे शास्त्र घिरा हुआ है, हमारे शास्त्र घिर लिया हमें। इसीलिए समस्त विधि विधान से परे होकर के कृष्ण के नाम हमें हमेशा हमेशा के लिए स्मरण करते रहना चाहिए, तो हमारी मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। प्रहलाद महाराज महान भागवतों में एक है, द्वादश भागवत में एक भागवत है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज, जनक ऋषि राजा, ये सब के सब नाम प्रेमी वैष्णव था। पितामह भीष्म, ये सब कृष्ण नाम के प्रेमी थे, ये सब भगवान नाम के प्रेमी था। तो इन सब की पदांग को अनुसरण करते हुए हमें किसी भी प्रकार बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और वो भागवत धर्म क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अहर्निशि यही नाम हमें जपना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है, और वो कृष्ण आकर के हमें क्या शिक्षा दिया? कृष्ण के नाम जपने का, कृष्ण के नाम कीर्तन करने का, कृष्ण के नाम स्मरण करने का ही शिक्षा हमें दिया है। इसीलिए हमें इस शरणकली, ये शरणकली इस समय का शरण युग कहा जाता है। शरणकली के टाइम हम लोग हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम इस स्थिति में, इस समय पे, महाप्रभु के समय पे, नाम युग के समय पे, कृष्ण नाम के युग के समय पे हम आए हैं। इसीलिए हमें और अधिक रूप में, अधिक श्रद्धा के सहित, अधिक लालसा के सहित, अधिक छटपटाहट के सहित हमें जप करना चाहिए। जप करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार वैष्णव अपराध, नाम अपराध और धाम अपराध हमसे ना बने। अगर इस प्रकार के अपराध सुन्न हो के आप नाम कर रहे हैं, तो नाम अचिरात आपको कृष्ण को देगा, कृष्ण प्रेम आपको प्रदान करेगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार अपराध होते हैं, तो अपराध से अपराधी नाम कदापि फल प्रदान नहीं करते हैं, ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 10 प्रकार के नाम अपराध है, 10 प्रकार के धाम अपराध है, 32 प्रकार के सेवा अपराध है। इस अपराध का ध्यान हमें बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ध्यान पूर्वक रखना चाहिए। ये अपराध इस प्रकार होता है जैसे कि हमें नंगा तलवार में चलने के जैसा। अगर कोई नंगा तलवार में चलते हैं तो कैसा है? वो थोड़ा सा भी ये करेगा तो उसको काट सकता है। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी प्रकार वैष्णव अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध ना हो पाए, तभी हमारी नाम फल और फूल और पल्लव से भर जाएगा, हमारी ज़िंदगी में कृष्ण प्रेम का हरियाली उजागर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव अपराध को पागला हाथी के साथ तुलना क्या है कि एक पागला हाथी अगर एक बगीचा में प्रवेश करते हैं, वो बगीचा को तहस नहस करके नष्ट भ्रष्ट कर देता है, पूरे बगीचा के पेड़ पौधा को मिट्टी में मिला देता है। इसका जो किसान के बहुत दिन की किया कराए सारे के सारे एक क्षण में नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के चरण में अपराध मत हाथी, पगला हाथी की तरह हमारी भक्ति उखाड़ के फेंक देता है, हमारे दोबारा भक्ति करने का किसी प्रकार चांस नहीं रहता है। इसीलिए हमें हमेशा जागृत रहना चाहिए कि मन
क्रिया और वाणी से हमें किसी प्रकार वैष्णव अपराध ना हो, धाम अपराध ना हो, और 32 प्रकार के सेवा के वर्णन, अपराध के वर्णन भक्ति श्रमण सिंधु में वर्णन किया है, उस अपराध को अपराध से बच के हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन है, उस अपराध से बच के हमें नाम जपना चाहिए। हरे कृष्ण, मैं यहाँ विराम करते हूँ। मैं पीताम्बर निमाय दास आप लोगों के दास हूँ, आप लोग मुझे भी कृपा कीजिए ताकि मैं भी वैष्णव अपराध, नाम अपराध और धाम अपराध से बच के हरि के नाम में अपने को डुबा सकूँ। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय।